चलिए सारे तरह का रूल पढ़ा दिए, फिर भी 5% और 10% का मान आपको याद रखना है, क्योंकि इसका यूज ज्यादा होता है। 2 साल में कितना? 10.25, 10% पर कितना? 21, 21%। चलिए एन का मान 3 है, यह समय 3 वर्ष दिया गया है, तो 5% पर सीआई है याद, यह होता है 15.7625%। और रेट यदि 10% है तो इसका सीआई होता है 33.1%। 2 साल में तो कुछ भी देगा, लेकिन 3 साल में जब भी 3 साल देगा तो 90% केस में 5 और 10 का ही यूज किया जाता है। और यदि 4 साल दे दे तब तो 5 और 10 के अलावा दूसरा आज तक कुछ पूछा ही नहीं। इसमें सिर्फ यही एक मान है जो एप्रोक्स में है, लेकिन ऑप्शन देखने पर आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी जो भी है वो एग्जैक्ट है। सिर्फ मतलब 5% 4 वर्ष वो आपको लगभग में है, एप्रोक्स में है, बाकी सब एग्जैक्ट। चलिए अब इसका हमको सीआई निकालना है, इसका हमको सीआई निकालना है, तो आप ऐसा करिए, पहले निकाल लीजिए 2 इयर्स का। 2 इयर्स का बोली अभी लिखा है 21%, अब 21% 2 बार बढ़ा दीजिए। अब 21% को रेट मान लीजिए और फिर 2 साल का निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा 4 साल का। 21% को अब रेट मान लीजिए और फिर 2 साल का निकालिए, तो 2 साल का निकालने का क्या मेथड था? तो 21 का स्क्वायर बोलिए 441, हासिल हो गया कितना? 4, 21 गुना 2 42 और 4 46, ये आपको निकल गया 4 वर्ष। अब मान लिया जाए कि कभी 5 साल के पूछ दिया जाए तो 10 के अलावा दूसरा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, जो कि पावर 5 रखना होगा, 5 बार गुना करना होगा, जो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 10 के अलावा दूसरा कुछ पूछ ही नहीं सकता है। वो भी 10% बढ़ाइएगा तो 11/10 हो जाएगा, 11 का पावर 5 निकालना होगा, इसलिए 10 के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है। ये भी हालांकि बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है तो फिर ऐसे पहले 2 इयर्स का सीआई बोलिए 21%, उसके बाद 3 इयर्स का निकाल लीजिए तो ये होता है 33.1%। अभी दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा कितना इयर्स का? 5 इयर्स। तो मिलाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो अब एक रेट हो गया 21% है, एक रेट हो गया इतना, अब ए प्लस बी वाला मेथड से बनाइए, या डायरेक्ट जैसे बताते हो वैसे बनाइए। तो आइए याद करिए, जैसे रेट है मान ले कि 1% और 20%, और 2 साल में निकालना है तो कैसे बनाते थे? एक बार गुना करते थे और एक बार जोड़ देते थे, तो बस वही काम यहाँ भी करिए। एक बार मल्टीप्लाई करिए,
तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना देते हैं, दोनों बात एक ही पड़ता है। बटा में कितना? 100। 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 54.1। यहाँ मल्टीप्लाई आपको करना होगा तो 21 गुना 1 बोलिए, गुना 3 63, 63 और 2 65, 65 फिर हो जाएगा 63 और 6 69। डेसिमल बोलिए, 100 से भाग दीजिएगा 3 अंक के पहले, तो 6.9 है, तो इसको 7 मान लिया जाए ना क्या? तो इसमें 7 जोड़ लीजिए, अप्रोक्स में। अब पूरा पूरा निकालना होगा तो टोटल कैलकुलेशन करिए, टोटल कैलकुलेशन करिएगा तो पूरा पूरा निकलेगा, एग्जैक्ट निकलेगा। चलिए, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, सीआई निकालना है। तब बोलिए 5% 3 इयर्स कितना? 15.7625%। डबल जीरो कैंसिल कर लीजिए, चलिए 2 जीरो से गुना होगा तो 2 डेसिमल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पर। तो चूंकि हम 10% का मान याद रखते हैं, इसलिए कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, मान याद नहीं रहता तो फॉर्मूला का 2 स्टेप लिखते, लेकिन चूंकि हम याद रखते हैं इसलिए कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। 10% 3 साल सीआई बोलिए, 33.1%, और एसआई बोलिए, तो एसआई तो सीधा 10 गुना 3 30%। अब दोनों का डिफरेंस बोलिए, तो डिफरेंस हो गया 3.1%, और इसी का मान रुपया में दिया गया है 620। प्रिंसिपल निकालना है तो 100%। अब थोड़ा ऐसे सोचिए, डेसिमल नहीं होता तो इसका 20 गुना था, और डेसिमल मान ली कि हटाइएगा तो इधर के गो जीरो होगा, तो इसका 200 गुना है, तो 200 में फिर 100 से गुना करिएगा तो 2 पर के 0 4 जीरो 20,000 हो जाएगा। लिख लिया गया,
क्वेश्चन नंबर 23। अब आपका रेट है फ्रैक्शन में, रेट आपको दिया गया है फ्रैक्शन में, तो फर्स्ट मेथड है ऐसे। रेट फ्रैक्शन में है तो जनरल मेथड भी काफी आसान पड़ता है। तो जनरल, पहले जनरल मेथड देखिए, तो इसका मान बताइए 1/6, अब बढ़ेगा तो कितना, 7/6। तो 7/6 का क्यूब कर दीजिए, 3 साल है तो ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। और सीआई निकालना है तो क्या करना है, ये दोनों को घटा दीजिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 33 में से 21 घटाइए, 127 बटा कितना, 216। यह जो निकला यह आपका क्या निकला, यह आपको सी आई निकला। और अब इसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 21,600, इसका 127 बटा 216 गुना करिए, तो आंसर हो गया 12,700। और सेकंड मेथड आइए फॉर्मूला से, तो पहले इसका मान तो जानना ही पड़ेगा 1/6। तो 3 ईयर के लिए या 3 बार बढ़ाना है तो पहले क्या करते थे, क्यूब करते थे, उसके बाद क्या करते थे, स्क्वायर इंटू 3 करते थे, और फिर इंटू 3, फिर से आर क्यू, फर्स्ट स्टेप आर क्यू करते थे, फिर आर स्क्वायर इंटू 3, फिर आर इंटू 3। और यहाँ फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो क्या चीज में, प्लस में, डेसिमल नहीं दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा प्लस में। ये देखिए 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, आई 6 है तो एलसीएम बोले, या चाहिए तो आप पहले कटा भी सकते हैं, चाहिए तो पहले आप कटा भी सकते हैं, इससे 36 कटेगा कितना, 12, इससे यह कटेगा 2, तो 2 12 और ये है 216, 6 का क्यूब कितना, 216, तो एलसीएम हो गया आपको 216, तो यहाँ हो जाएगा 1 12 से भाग दीजिए 18, चलिए 2 से भाग दीजिए 108, तो 108 या 18 1 19, 8 और 19 जोड़िए 127 बटा 16, 127 बटा 216 हो गया, फिर उसी तरह से निकालिएगा।
अब वही डिफरेंस निकालने की बात आ जाए तभी मेथड आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो ही स्टेप लिखना है। आज जनरल वाला से बनाइएगा तो फिर पहले एसआई निकालना पड़ेगा, नहीं तो 1/6 तीन बार जोड़िए फिर उसको उसमें घटाना पड़ेगा, तभी ये मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा। यदि डिफरेंस निकालना है तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा, फिर जनरल मेथड में दो स्टेप अभी और बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ यदि बटा में है ना तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाता है, डेसिमल वाला कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होता है, बटा वाला ज़्यादा आसान होता है। हाँ, डेसिमल वाला कैलकुलेशन एक ही जगह आसान होगा जब नंबर में जीरो जीरो लगा हुआ हो, और जीरो जीरो नहीं लगा हुआ है तब तो ये ज़्यादा आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे, ये 24 था ना, 23 छूट गया, नहीं ये आपका 24 था, 23 छूट गया। ट्वेंटी टू है ना, 22 के बाद एक 23 नंबर छूट गया। चलिए यह भी क्वेश्चन पॉपुलर है, ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमको एसआई दिया है और सीआई निकालना है, तो दोनों बात पहले परसेंट में निकालिए। चलिए 5% 3 वर्ष बोलिए, 15%, और सीआई हम लोग याद रखते हैं 15.7625%। इसका मान आपको दिया गया है कितना, 1200, और इसका मान हमको निकालना है, तो बोलिए 15 का 1200 के गुना 80 गुना, तो इसका 80 गुना कर दिया जाए। तो 80 का पहले एक जीरो रख लेते हैं, अब हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 8 से, तो 8 गुना 25 बोलिए, हासिल बोलिए 2, 48 दो 50, 5 56 5 61, हासिल बोलिए 15 गुना 8 बोलिए 120, और 6 126, डेसिमल के अंक के पहले, 4 अंक के पहले, तो आंसर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीडीएफ मिल रहा है आप लोग को? हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा मोबाइल में, उसमें सर्च करिएगा कोचिंग को, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ मिलते रहेगा। ऐसे अभी नेट डिस्टर्ब है, लेकिन पीडीएफ चूंकि कम एमबी का होता है इसलिए मोबाइल से उस पर सेंड कर दे रहे हैं, और वहीं वीडियो भेजना थोड़ा टफ हो रहा है, उसके लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए। अब जो वीडियो अभी रिकॉर्डिंग होता है उस सब वीडियो होता है 700 800 MB का, कोई कोई हो जाता है 1 1 GB का। अब उसको नेट, उसको भी अपलोड करने के लिए नेट फास्ट चाहिए, मोबाइल वाला से तो हो ही नहीं पाएगा, बड़ी टाइम लगता है।
ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब आइए 25 पे। पच्चीस में डिफरेंस दिया गया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। सी आई माइनस एस आई शायद 50 ही है ना, 50 रुपया है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो फॉर्मूला का यूज करिए, जल्दी बनेगा। जनरल मेथड से इसमें टाइम लग जाएगा। तो आइए, डिफरेंस निकालना है तो के स्टेप, दो स्टेप, एक स्टेप छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्यूब करते हैं, तो इसका मान बोलिए। तो 1/8 का क्यूब करिए, चलिए प्लस। अब क्या करते हैं, स्क्वायर इंटू 3। चलिए 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब एलसीएम हो गया। चलिए ये हो जाएगा आपको कितना, 1। और 8 स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 1 8 बचेगा, और 3 से गुना हो जाएगा, यानी 25/512। तो 25/512 निकालिएगा तो क्या निकलेगा, डिफरेंस। लेकिन किसका 25/512, मूलधन का, सब कुछ प्रिंसिपल का। और डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। ऊपर से ऊपर कटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो पी का मान हो गया 1024। चलिए लिख लिया गया। टाइम है, रहने दिया जाए तो। अब यहां से टाइप भी चेंज हो रहा है।